कुमार सिन्हा, आई एम डिप्टी डायरेक्टर एंड फिजिक्स फैकल्टी इन आकाश बैजूस, एंड वी आर हियर फॉर आवर कैंपेन विच इज़ जंक द प्लास्टिक इन कॉलेब्रेशन विद खुशिया फाउंडेशन। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउ प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड इट्स जस्ट हैम्परिंग द लाइफ ऑफ मरीन एंड ऑल्सो जस्ट द चेंजिंग आवर इकोसिस्टम। सो हम लोग आज यहाँ पर हैं कि जितने भी हमारे पॉल्यूशन हैं, जो प्लास्टिक हैं यहाँ पर, और हम इस बीचेस को क्लीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड जस्ट वी आवर एम इज़ टू जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस बिटवीन द पब्लिक, जस्ट नॉट टू थ्रो द प्लास्टिक इन हियर एंड देयर, एंड ऑल्सो जस्ट टू इंसिस्ट दीज यंग माइंड सो दैट दे कैन जस्ट बी अवेयर अबाउट देयर इन्वायरमेंट एंड अबाउट द क्लीननेस अराउंड देम। सो वी आर हियर एंड और एक और हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं हमारी कि हमारी इस एफर्ट से जो हमारी पब्लिक है उसमें भी थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड हो, और वो भी प्लास्टिक के यूज़ और प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको समझ पाएँ, और वो आगे इस मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिए उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम पर, इस हमारी सोसाइटी के लिए हो। सो डैट्स वाई वी आर हियर। सर, अक्सर देखा गया है कि सेलिब्रिटी हो या जो भी हो, साफ करने के लिए बीच साफ करने आते तो सुबह 7 बजे आते हैं जी, ऐसे क्या कारण थी कि 10 बजे आप लोग आए हैं? सर, एक रीज़न था कि चूंकि हमारे बच्चों को हमें लाना था, और बच्चे डिफरेंट लोकेलिटी और डिफरेंट एरिया में रहते हैं, तो उनको कलेक्ट कर यहाँ पर लाना एक हमारे लिए चैलेंजिंग था। डैट्स वाई थोड़ा लेट हुआ, बट वी आर ऑन टाइम। और हमारा पर्पस जो था, डैट्स नॉट कि हम जल्दी आएँ या लेट आएँ, द पर्पस वॉज टू क्लीन द बीच एंड वी आर हियर टू क्लीन द बीच। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें यहाँ पे बुलाया है ताकि वी कैन क्लीन द एनवायरनमेंट एंड वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस, एंड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें ये सब कुछ सिखाया है। आप लोग की यूथ हो और लोगों को क्या संदेश दोगे, जो आप यूथ हैं उनके बीच पे आना चाहिए और इस तरह से साफ सफाई करना चाहिए, गंदगी ना फैलाए वगैरह? हाँ, हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें हमेशा क्लीनलीनेस पे ही रहना चाहिए। I'm Rajvi from Akash, and we're here to clean the beach as a part of our cleanliness drive, as I saw here. We want to spread the message of please clean the beach and keep your environment clean and safe. It helps us and others as well around you. It makes our environment safer and beautiful as well. Institute, and I'm the assistant director. So here with our senior, we are here to, you know, take part in this activity of cleaning the beach, so that we wanted to spread the information of cleanliness is next to the guard. कितना आप लोग करते हैं, मतलब साल में कितनी बार बीच क्लीन करने का काम करते हैं, या एक बार ही आप इस तरह से कुछ? No, we have started this from many years, और ये different locations पर हमारे events चलते रहते हैं। जैसे अभी हमने last week नागपुर में किया था, next week हमारा गोवा में plan है। So different parts of country में हमारे जितने भी different branches हैं, वहाँ से हम different types के इस तरह के events organize करते हैं। So it's a continuous process in Akash। मतलब हम चूँकि ये टेस्ट प्रिपरेटरी सर्विस में है, इसके अलावा जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है, जहाँ पर भी जरूरत हम समझते हैं, वहाँ पर हम इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। कम से कम कितने बच्चे आए होंगे आपके यहाँ? सो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 स्टूडेंट्स हियर। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं बच्चों को लेकर कुछ? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो क्लीननेस को लेकर होता है, उसके बाद अभी नागपुर में हमने वॉल पेंटिंग्स का इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया था, इसके अलावा हम पौधा जो वृक्षरोपण होता है हम उसको भी करते हैं, चंडीगढ़ में हमने लास्ट टाइम वृक्षरोपण किया था। इसके मतलब डिफरेंट तरह के इवेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज हैं जो सोशल अवेयरनेस के काम आते हैं, वो सारे इवेंट। वी आर हेयर टू क्लीन द बीच, एज वी कैन सी ओवर द इयर्स हाउ मच द बीच हैज क्लीन, लाइक 10 इयर्स बैक देयर वर सो मेनी plastic waste in the sea, and so yes, we are here to clean the beach as part of the cleanliness drive. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।